हेलो ठीक हैं और लगे हुए हैं अपनी तैयारी में बहुत जोरों शोरों से इस साल का बैंक एग्जाम निकालना है इसी सोच के साथ में वेल सोच आप सभी की बहुत अच्छी है लगे रहिए मेहनत करते रहिए तो अभी आज मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आई हूँ जो कि है बहुत ही खास पजल से सबको डर लगता है ना पजल से सभी बच्चे डरते हैं जब भी बैंक एग्जामिनेशन में रीजनिंग की बात आती है तो सबसे पहले अरे यार पजल्स के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है नहीं पॉसिबल है ना लगता है ना डर लगता है तो चलो आज तुम्हारे इसी डर को खत्म करना है पजल सीखेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन अगर यही मैं आपको लाइव आकर क्वेश्चंस कराती ऑब्वियसली टाइम समय बहुत बहुत, बहुत ज्यादा जाता तो मैंने सोचा कि चलो ये एक वीडियो को थोड़ा सा फटाफट से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा करेंगे और बातें कम करेंगे तो इसीलिए रिकॉर्डेड सेशन अच्छा रहेगा तो देखिएगा जरूर एंड तक चलो फटाफट -फड़ से स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने गिर रहा चलिए बनाते हैं अब हम इस क्वेश्चन को

अलग अलग फूड पसंद है बर्गर पिज्जा पास्ता ओ माई गोड नाम सुन के क्या हो रहा है मुंह में पानी आ रहा है हाँ चलो क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्टर है, कहता है गगन लिवस जस्ट अब दन लाइक्स बर्गर गगन किसके ऊपर रहता है जिसको बर्गर पसंद है उसके जस्ट ऊपर आपका गगन रहता है जस्ट ऊपर किसके जिसको बर्गर पसंद है ले लीजिए फारा लाइक्स एग एंड लिव्स ऑन द प्राइम नंबर बिलो गगन गगन के नीचे आएगी फारा एफ जिसको एग्स पसंद है तो गगन के नीचे जी के नीचे एफ जिसको एग्स पसंद है प्लस वो कहां पर आएगी एक प्राइम नंबर्ड फ्लोर पर आएगी मैंने नोट कर लिया कहते हैं बीना लिव्स अब इरम बट बिलो द वन लाइक्स पिज्जा बीना रहती है इरम के ऊपर बी रहता है बीना लिव्स अब इरम के ऊपर रहती है बट बिलो द वन लाइक्स पिज्जा जिसको पिज्जा पसंद है उसके नीचे तो यानी कि पिज्जा के नीचे आ जाएगा आपका आगे, पर कौन नहीं रहता, जिसको fruit नहीं पसंद यानी कि फ्रूट वाला पर्सन ग्राउंड फ्लोर पर नहीं आएगा भाई ये लो द वन लाइक्स पास्ता लिव्स टू फ्लोर अबव द वन लाइक्स एग जिसको पास्ता पसंद है वो एग के दो फ्लोर ऊपर एग किसको पसंद है एफ को तो एफ एग एक छोड़कर पास्ता ये लो ये हमारी एक इंफॉर्मेशन है ये हमारी एक इंफॉर्मेशन अलग है ये हमारी एक अलग इंफॉर्मेशन है कहते है चंदू लिव्स फोर फ्लोर बिलो द वन हु लाइक्स मैगी एंड टू फ्लोर अब अनु कहता है चंदू कहां रहता है फोर फ्लोर बिलो द वन हु लाइक्स मैगी जिस भी पर्सन को मैगी पसंद है जिस पर्सन को मैगी पसंद है उसके फोर फ्लोर बिलो रहता है चंदू फोर फ्लोर बिलो बोला चंदू लिवस फोर फ्लोर बिलो चार फ्लोर नीचे यानी कि गैप लेंगे तीन का एक दो तीन तो चंदू आगे आपका यहां पर इस जगह पर ठीक है और आगे क्या कहता है चंदू लिवस फोर फ्लोर बिलो द वन हुइ मैगी मैगी के चार फ्लोर नीचे बना दिया एंड टू फ्लोर अबो वन हुँ. और चंदू कहां रहता है अनु के दो फ्लोर ऊपर दो फ्लोर ऊपर का मतलब क्या हुआ एक का गैप लेंगे अनु एक छोड़कर चंदू कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सात हो गए एक बचता या तो मैगी के जस्ट ऊपर या अनु के जस्ट नीचे उसने बोला चंदू और गगन के बीच में तीन पर्सन हैं।, अब जरा मुझे हैं। वन, तो चंदू अगर यहाँ है इसके नीचे मैं अगर गगन को बनाना चाहूं तो एक दो एक बनाऊंगी अन्नू के जस्ट नीचे फिर उसके नीचे गगन आएगा तभी तीन का गैप बन पाएगा चंदू के नीचे अगर गगन बनाना है तो हमारे कितने फ्लोर्स बन जाएंगे नो जबकि है आर्टिस्ट का मतलब चंदू के नीचे आप गगन नहीं बना सकते चंदू के ऊपर गगन बनाएंगे ठीक है तो एक दो तीन यानी कि मुझे समझ में आ गया मैगी किसको पसंद है भाई गगन को पसंद है ये हमारी पूरी एक इंफॉर्मेशन हो गई यहाँ पर ठीक है चलो आगे हर्षिता लिवज जस्ट बिलो द वन हु हुइक सलाद बट ऑन द इवन नंबर फ्लोर हर्षिता कहाँ रहती है सलाद वाले पर्सन के जस्ट नीचे सलाद वाला पर्सन जो है उसके जस्ट नीचे हर्षिता लेकिन हर्षिता भाई कहाँ रहती है इवन नंबर फ्लोर पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये देखो एक ये इंफॉर्मेशन है कहते देर इज वन पर्सन दिव्या एक और पर्सन है जिसका नाम दिव्या है कंप्लीट क्वेश्चन वी हैव नॉटेड डाउन अब देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है ऑब्वियसली सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन सबसे लॉन्ग लेंथ में ये वाला है तो यहां से ही बनेगा क्योंकि हमारे पास में टोटल सात लोगों का अरेंजमेंट यहां से बन रहा है तो ये टोटल आठ है तो अब हम क्या करें क्या करेंगे तो एक बार मैगी को तुम यहां बना लो जी मैगी यहां और एक केस तुम्हारा क्या बनेगा जी मैगी यहां क्यों क्योंकि बच्चे हमारे पास में ये जो है ना ये कितना है सात लोगों का अरेंजमेंट है ठीक है सात लोगों का अरेंजमेंट तो सात लोगों का अरेंजमेंट आठ से लेकर दो तक और सात से लेकर एक तक इस तरीके से बनेगा अब गगन के जस्ट नीचे बर्गर तो ये लो जी के जस्ट नीचे बर्गर हमने बना दिया ये लो मैगी जी तीन छोड़कर चंदू एक दो तीन इस केस में चंदू आया यहां इस केस में चंदू आ जाएगा यहां चंदू एक छोड़कर अनु एक छोड़कर अनु इस केस में यहां इस वाले केस में अनु यहां पर ठीक है आई होप कितना आप सभी को क्लियर होगा कुछ नहीं किया अभी तक हमने अब जी के नीचे एफ एग्स ऑन प्राइम नंबर फ्लोर तो जी के नीचे एफ एग्स फिफ्थ पर आ सकता है थर्ड पर भी आ सकता है प्राइम नंबर फ्लोर तो अब दो दो केसेस बनाए अरे ऐसे तो केसेस में केसेस बहुत बन जाएंगे कुछ कुछ और ढूंढो देखो f एग एक छोड़कर पास्ता f एग एक छोड़कर पास्ता तो जरा देखो अगर तुम f एग्स g के नीचे f को हमने पर बनाना है प्राइम नंबर फ्लोर पर यहां f एग बनाओगे एक छोड़कर पास्ता तो नहीं आ सकता इसका मतलब पांचवे फ्लोर पर नहीं आएगा यहां हम बना सकते हैं f एग एक छोड़कर पास्ता आ गया आपका यहाँ पर अगर हम इस वाले केस की बात करें देखिए जी के नीचे एफ यहां पर अगर आया तो एक छोड़कर पास्ता नहीं आ सकता फोर्थ हमारा प्राइम नंबर नहीं है थ्री है टू यहां पर आएगा फिर आपका एफ एग्स एक छोड़कर पास्ता आ गया यहां पर ये लो इतना क्वेश्चन हुआ अब आगे क्या करें देखो सलाद के जस्ट नीचे हर्षितांबर्ड फ्लोर तो हर्षिता आपकी यहां आ सकती है लेकिन सलाद की जगह नहीं है हर्षिता आपकी और कहीं फोर्थ सेकंड सब फील्ड है भाई ये वाला केस हो गया सीधा सीधा गलत क्यों क्योंकि हम इस वाली चीज को यहां पर प्लेस नहीं कर सकते हैं यहां पर चलते हैं ये वाला केस डेफिनेटली हमारा सही होने वाला है हर्षिता पर पर है इवन फ्लोर पर, उसके जस्ट ऊपर सलाद तो इवन नंबर फ्लोर एथ पर आ नहीं सकती सलाद कहां बनाएंगे यहां पर भी नहीं बना सकते हर्षिता को जस्ट ऊपर मैगी है यहां पर फोर्थ पर बना सकते हैं तो हर्षिता आपकी आ गई यहां पर ठीक है उसके जस्ट ऊपर सलाद यहां पर डन आगे लगभग सारी कंडीशन हमारी लग चुकी हैं. ये लग चुकी ये लग चुकी ये हो गई ये भी हो गई ये भी, भी बना दिया ये देखो पिज्जा के नीचे बी बी के नीचे E. तो पिज्जा अगर यहाँ बनाए तो बी E की जगह तो है नहीं इसका मतलब पिज्जा यहाँ बनाएंगे पिज्जा के नीचे बी बी के नीचे ई डन फर्स्ट फ्लोर के लिए फ्रूट कैंसल्ड है यहां फ्रूट नहीं आ सकता तो फ्रूट आएगा सी के पास में क्लियर उसने एंड में बोला था देर इज वन पर्सन दिव्या एक पर्सन है जिसका नाम है दिव्या तो दिव्या यहां पर आ गई और जो भी आपका बचता है फ्रेंकीज बचते हैं देखो वहां से लो भाई क्वेश्चन इज डन 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 एंड आई रियली होप कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आया होगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था सेशन अच्छा लग रहा है पसंद आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करना सभी बच्चों ने और जितने भी नए बच्चे हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से और भी बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए हमेशा लेकर आती रहूंगी ठीक है चलो नेक्स्ट देखो कहते हैं हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन दिव्या एंड हर्षिता दिव्या और हर्षिता के बीच में कितने लोग हैं जल्दी से देख लेते हैं हर्षिता ये रही दिव्या ये रही एक दो तीन तीन पर्सन तीन पर्सन तो तीन बी ऑप्शन थ्री इज करेक्ट नेक्स्ट वन बीना लिव्स ऑन विच अमंग द फ्लोर बिना कौन से फ्लोर पर रहती है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है मैं जितने क्वेश्चन आपको कराऊंगी सब में कुछ ना कुछ होमवर्क दूंगी इन क्वेश्चन को आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है ठीक है चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा चलिए एक बार देख लीजिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए देखिए क्या कहता है सेवन बुक्स है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन आर के अदर ऑन सिंगल ऑर्डर लोअर मोस्ट ट्रैक इज नंबर तो सबसे पहले तो हम यही बनाएंगे कहता है ओनली टू बुक्स आर केप्ट बिटवीन ए सेवन एंड ए थ्री ए सेवन और ए थ्री के बीच में दो ही बुक्स हैं वेयर ऑफ द बुक्स इज के ऑन द लोअर मोस्ट यानी कि ए सेवन और ए थ्री में से ईदर ऑफ द सेवन और ए थ्री में से कोई ना कोई तो बॉटम मोस्ट फ्लोर पर बॉटम मोस्ट ट्रैक में आएगा ही आएगा दोनों के बीच में गैप दिया है दो का तो अब अगर हम एक बार ए सेवन को यहां लेंगे एक बार ए थ्री को यहां लेंगे ठीक है क्योंकि उसने कहा दोनों में से कोई ना कोई, कोई बॉटम मोस्ट में है ए सेवन और ए थ्री के बीच का गैप दिया है दो तो इस केस में ए सेवन यहां पर आ जाएगा ठीक है भाई ये लो कहते बुक ए टू इज पर रखा गया है टू बुक्स ए वन यानी कि ए वन एक छोड़कर ए टू टू बुक्स अब बोला है बुक ए फाइव इज केप्ट अब ए वन ए वन के ऊपर ए फाइव ए वन के ही ऊपर ए फाइव भी आएगी उसने कहा है ठीक है हो सकता है जस्ट ऊपर आ जाए या ए टू के ऊपर आ जाए वो नहीं पता देख लेंगे ए वन के ऊपर ए फाइव है

ए फोर और ए सेवन अरे भाई पता चल गया इसमें तो ऑलरेडी आ चुका है तो ए फोर के लिए ये दोनों थी वो प्लेस कैंसिल हो गया यहां पर क्योंकि उसने कहा है ए फोर और ए सेवन दोनों कहते हैं तो बुक ए वन इज के वन कहां पर है ए सेवन के ऊपर तो ए सेवन के ऊपर ए वन ए वन एक छोड़कर ए टू है अगर मैं ये वाला केस देखूं तो ये मेरा थोड़ा सा जल्दी बन रहा है A7 के ऊपर A1 एक ही जगह बचते क्यों क्योंकि A1 एक छोड़कर A2 भी तो बनेगा तो पूरा सात सात रैक्स का इस तरीके से अरेंजमेंट बन गया यहां पर हमारे पास में दो केसेस बनते हैं एक केस बनता है ए वन यहां पर आए और एक छोड़कर ए टू यहां और एक केस मेरा ये भी तो बनेगा ए वन को यहां बनाऊ एक छोड़कर ए टू यहां ठीक है तो मुझे पहले मैं इसको बना लेती हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां पर आगे फर्दर पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही इसमें आगे दो दो पॉसिबिलिटीज एक ये वाली और एक ये वाली बन रही है तो इसीलिए मैं पहले इसको करूंगी यहां से हो गया तो ठीक नहीं तो फिर तो आगे जाना ही है ठीक है चलो

मेरा जितनी कंडीशन थी सब लग चुकी हैं ये वाला केस सही आ चुका है अब मैं नहीं जाऊंगी आगे रीजन मैंने आपको बता दिया कि मैंने पहले इसको क्यों उठाया क्योंकि इसमें इसमें आगे फर्दर केसेस नहीं बन रहे थे। इसमें बन रहे रहे थे थे इसलिए इसको इसको पहले छोड़ा इसको बनाया और तुमको भी हमेशा पेपर में ऐसा करना है पहले जहां से दिख रहा है कि केसेस कम बन रहे हैं उसको निपटा लो सॉल्व हो जाएगा तो अच्छी बात है तुम्हारा टाइम बचेगा नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ना ही पड़ेगा तुमको अब तुम इनको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली अब करने की जरूरत नहीं है देखो

इसका आंसर है थ्री हाउ मेनी एज मेनी बुक्स आर केप्ट बुक केप्ट अब ए टू एज बिलो ए टू के ऊपर जितनी बुक्स हैं किसी किस बुक के नीचे भी उतनी ही होनी चाहिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है तो मैं अभी तक तुमको दो क्वेश्चन दे चुकी हूँ होमवर्क के लिए आंसर जरूर दीजिएगा सेशन पसंद आ रहा है अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक like जरूर करना है अभी हम लोग आगे आपके फेवरेट टॉपिक वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं ठीक है चलिए ओके सो आप सभी बच्चे बैंकर बनना चाहते हैं राइट अब बैंकर बनना है मेहनत करनी है मेहनत करोगे तो तुम बैंकर तो बन जाओगे लेकिन बात यह है है कि कितने समय समय में कितना समय लगता है। तुमने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे जिनको चार चार साल लग जाते हैं अभी कल मैंने तुमको एक स्टोरी भी सुनाई है ना उसमें ऐसे मेरे खुद के फ्रेंड थे जिनको पांच साल पांच साल उन्होंने लगातार पेपर दिए तो पांच साल के बाद में वो बने थे तो अब अब आप लोगों का सपना बैंकर बनना आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो किस तरीके से और टाइम से पूरा कर सकते हो जो गलतियां बाकी बच्चे करते हैं तुम वो गलतियां नहीं करोगे किस तरीके से आप आइए आप हमारे साथ जुड़ जाइए अन अकेडमी पर आप सभी देख सकते हो कि बहुत सारे एजुकेटर्स हैं आप सभी देख सकते हैं बहुत सारे एजुकेटर्स हैं आपके पास में ऑप्शन इतने सारे हैं अपने लिए अपना एक बेस्ट टीचर हर एक सब्जेक्ट के लिए आप चूज कर सकते हो अगर आपका मन है एक नहीं दो टीचर से पढ़ना है आप वो भी देख सकते हो जिससे भी पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट के लिए इनफैक्ट टॉप एजुकेटर्स आई इस प्लेटफॉर्म पर अब मैं क्यों कह रही हूं कि हाँ बार बार कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पर आ जाओ बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपने देखा है नंबर ऑफ सिलेक्शन पता ही नहीं कितने सिलेक्शन इस प्लेटफॉर्म से बच्चे निकलते हैं और बैंकर बनते हैं देखा है ना आप सभी को पता है तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आओगे तो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएगी यहां के एजुकेटर्स इस चीज को हमेशा मेक करते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जाए टाइम टू टाइम बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस देते हैं तो इसीलिए आ जाइए अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो देखो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे बोलते हैं कि मैम हम यूट्यूब से पढ़ते हैं यूट्यूब से पढ़ते हैं अब यूट्यूब से पढ़ते हो आप चाह रहे हो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक है लेट्स मैथ्स में किसी अर्थमेटिक का एक टॉपिक है पर्टिकुलर जिसमें आपको दिक्कत आती है और आप एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना चाहते हो आप उनके उनको फॉलो करते हो यूट्यूब पर अब आप चाह रहे हो कि मुझे वो टॉपिक मिल जाए मुझे उसमें डाउट है क्या आप ले सकते हो नहीं ले सकते लेकिन यहां पर आ जाओगे तो तुम डाउट्स भी ले सकते हो सब कुछ कर सकते हो बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं अन पर आप अपने डाउट्स ले सकते हो रेज हैंड का ऑप्शन है अपने टीचर से बात भी कर सकते हो कभी तो मौका मिल ही जाएगा है ना तो आ जाइए जुड़ जाइए यहाँ पर अभी देखिए एल आई सी डबल रेडियो का मेन्स एग्जाम का बात चल रहा है 50% ऑफ डिस्काउंट लास्ट डे सिक्स फेबर आज का ही दिन सिर्फ कितना दैट ओनली तो जिसने भी लेना है ले लीजिए आज लास्ट डे है 50% ऑफ चल रहा है आपको कोड याद रखना है यू हैव टू यूज कोड पीओ टेन बैंकर बनना है ना तुम सभी को बैंकर बनना है कोड याद रखना है पीओ बनना है पीओ टेन कोड यूज करना है दैट्स इट चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई हम लोग और एक और चीज बता देती हूँ आप सभी को कि सब्सक्रिप्शन किस किस तरीके की है आप लाइट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो लेकिन लाइट के सब्सक्रिप्शन में आप कुछ कोर्सेज वगैरह नहीं देख सकते पढ़ नहीं सकते हो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज और डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो होते हैं वो आपको मिलेंगे प्लस पर आप आ जाते हो आपको कोर्सेज भी मिलते हैं फ्री लाइव क्लासेस जिसको स्पेशल बोलते हैं वो अटेंड कर सकते हो रेज अ हैंड का ऑप्शन है इन ऐप नोट्स हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दो चीजें एक्स्ट्रा है फिजिकल नोट्स और पर्सनलाइज्ड सोल्यूशन आपको मिलते हैं फिजिकल नोट्स तो अच्छा प्लस का सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल सही है और एक साल का सब्सक्रिप्शन आप सभी स्टूडेंट्स को लेना चाहिए एक साल का क्योंकि देखो कोई भी चलो मेरी बात छोड़ो हर एक एजुकेटर से आप सुनते हो ना कि कम से कम छह महीने तुमको चाहिए प्रॉपर अपना सिलेबस को अच्छे से कवर करना और प्रैक्टिस थोड़ा बहुत होता है तो आगे के छह महीने ये छह महीने और आगे के छह महीने में आप फुल फ्लेज प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे कंटेंट की जो कि सबकी हमेशा दिक्कत रहती है परेशानी रहती है कि कंटेंट कहां से मिलेगा तो आपको इस यहां पर जितने भी टीचर्स हैं जो कॉन्टेंट देते हैं क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट इज ऑसम टॉप नॉच क्वालिटी का कॉन्टेंट होता है ओके चलिए कोड यू हैव टू यूज पीओ टेन कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आप सभी को चलो भाई अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अभी और अभी पजल्स बाकी हैं टेंशन मत लो मैंने हर एक चीज डाली है इसके अंदर और बहुत अच्छे लेवल की देर आर एट मेंबर्स आठ लोग हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच इन द फैमिली ऑफ तीन जनरेशन तीन जनरेशन की फैमिली है कहता है एच एंड बी लास्ट में देखो एच एंड बी आर कजन सिस्टर्स एच और बी दोनों कजन है बहने हैं ठीक है चलो एफ इज द मेटर्नल अंकल ऑफ एच एच के मेटर्नल अंकल पहली बात एच और बी दोनों बहने हैं तो एच का ये लो अब कौन है एफ कौन है मेटरनल अंकल है यानी कि एच की जो मदर है उनके भाई होंगे ठीक है चलो कहता है ई हैज ओनली टू चिल्ड्रन ई के सिर्फ दो ही बच्चे हैं ई इज द फादर ऑफ एफ ई किसके फादर है एफ के फादर है तो यानी कि एफ के फादर है तो पता चल गया एफ और ये दो बच्चे होंगे ई e के तो यहां पर हमने बना दिया है ई e को ठीक है तो तीन जनरेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये होने वाली है इज द फादर ऑफ एफ एंड ए उसने बोला है एफ और ए तो यानी कि ये कौन होने वाली है ये होंगी इज द हस्बैंड हस्बैंड ऑफ है किसके जी के ये लीजिए डी इज द फादर ऑफ एच डी जो है वो एच के फादर है एच के फादर डी का मतलब ए और डी कपल फॉर्म करता है ये लीजिए कहता है सी इज द मदर ऑफ बी सी जो है बी की मदर है अब हमें पता था स्टार्टिंग में उसने बोला था एच और बी दोनों कजन है एच और बी दोनों कजन यानी कि एच बी यहां पर आ जाएगी दोनों कजन है ठीक है सेम पेरेंट्स की नहीं सेम पेरेंट्स की नहीं तो सिस्टर्स बन जाएंगी, कजन नहीं होंगी फिर अभी उसने क्या बोला है सी इज द मदर ऑफ बी तो बी की मदर कौन है सी ये क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। कुछ भी पूछे अब आप इजिली आंसर कर सकते हैं तो देखिए हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी जी की ग्रैंड डॉटर कौन है एच है बी है जरा देखो यहाँ पर तुमको ऑप्शन मिला बोथ बी एंड एच डी ऑप्शन इज करेक्ट हु इज द पेटर्नल आंट ऑफ बी बी की पेटर्नल आंट कौन है बी की पेटर्नल बी के फादर उनकी सिस्टर ए ये लीजिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखो भाई तुम्हारा फेवरेट ऑलवेज कंफ्यूजिंग वन है ना सिलॉग्स का ओनली फ्यू टॉयज आर वाइट यानी कि सम टॉयज आर वाइट एंड टॉयज आर नॉट वाइट सम गन आर व्हाइट डब्ल्यू और जी का कुछ पोर्शन कॉमन है only gun are red यानी कि all red are gun यहां पर मैं gun को थोड़ा सा बड़ा बना रही हूं ये है gun only gun are red का मतलब है all red are guns. और इसको star mark करना नहीं भूलना इस red का relation G के अलावा किसी के साथ नहीं होगा all play are toys toys ये है all play are toys ये लो all play all play all toys is play नहीं बोला भाई ये लो इसको भी थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ये था आपके पास में ठीक है? और टी का कुछ पोर्शन डब्ल्यू में कॉमन था क्योंकि बोला बोला था। और टी का कुछ पोर्शन में नहीं। अब उसने सारे सारे के सारे जो हैं हैं। वो so, फटाफट से देखो कंक्लूजन नो वाइट इज डब्ल्यू और आर दोनों से दूर बिल्कुल सही आर को स्टार मार्क किया हुआ है एकदम सही ओल्ड टोयज आर व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी कहते सारे के सारे टो इज वाइट हो सकते हैं पहली बात देखो ऊपर सबसे पहला ओनली अफ यू टोज आर डब्ल्यू ओनली अफ यू टीज डब्ल्यू तो पूरा का पूरा टी तो डब्ल्यू में कभी नहीं जाएगा क्यों क्योंकि देखो ये वाला जो पोर्शन है टीका कभी डब्ल्यू में नहीं जाएगा तो पूरा का पूरा टी कैसे जा सकता है डब्ल्यू में ओल्ड गन आर वाइट इज अ पॉसिबिलिटी कहता है सारा का सारा गन सारा का सारा जी डब्ल्यू में नहीं जा सकता क्यों क्योंकि जी में आर है और आर किसी और का पार्ट नहीं हो सकता ओनली वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ तो सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है यहां पर चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई ऑल मून्स आर यूनिवर्स ऑल मून आर यूनिवर्स ये लो अर्थ मून और अर्थ का कुछ पोर्शन कॉमन है ये लीजिए एवरी अर्थ स्टार यानी कि एवरी का मतलब क्या होता है Each or every मतलब all. Each or every मतलब यानी कि और some stars, stars का कुछ portion definitely ऐसा है जो Jupiter में नहीं आएगा। ठीक है भाई चलो <clears throat> पहला कंक्लूजन ओल्ड अर्थ कैन नेवर बी जुपिटर पूरा का पूरा अर्थ जुपिटर नहीं हो सकता वो ये कह रहा है अब एक बात बताओ अर्थ ये रहा जुपिटर ये ई और जे के बीच में एग्जैक्टली exactly कोई रिलेशनशिप क्या तुम्हें नजर आ रहा है नहीं आ रहा तो अगर वो आपसे पूछता ओल बी जुपिटर बिल्कुल सही बात है क्योंकि e और J के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप कुछ नहीं है और जितने भी रिलेशनशिपेगा वो आपसे पूछेगा वो कांट से वाले गलत होंगे पॉसिबल पूछेगा वो सही होंगे लेकिन उसने कहा है कि सारा का सारा अर्थ जुपिटर नहीं हो सकता भाई बिल्कुल गलत क्यों क्योंकि क्यों हो सकता है ओल स्टार्स आर नॉट जुपिटर कहता सारे के सारे स्टार्स जुपिटर नहीं है क्या ये बात सही नहीं है बताओ सारे के सारे स्टार्स नहीं तो हैं देखो एस और जे का कुछ पोर्शन तो कॉमन है लेकिन एस का कुछ पोर्शन ऐसा है जो जुपिटर में नहीं आएगा ये देखो ओनली अ फ्यू स्टार्स ऑफ जुपिटर का मतलब सम एंड सम नॉट सम जुपिटर इज स्टार एंड सम जुपिटर इज नॉट स्टार तो ऑल स्टार आर नॉट जुपिटर बिल्कुल सही है सारे के सारे स्टार्स जुपिटर नहीं है ऑल यूनिवर्स कैन बी अर्थ यू और ई e. चेक करो यू ये रहा ई e ये रहा तुम सिंपल चेक कर लो ऑल यू इज ई क्या आपको सही नजर आ रहा है ना ही गलत नजर आ रहा है यह है कांट से वाला गलत पूछी उसने कैन बी पॉसिबिलिटी तो पॉसिबिलिटी कांट से वाले कंक्लूजन की क्या होती है सही होती है पॉसिबिलिटी किसकी सही होती है कांट से वाले कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी सही होती है अगर आपका कंक्लूजन 100% परसेंट ट्रू है या 100% गलत है इनकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत सिर्फ कांट से वाले कांट से वाले कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी ही सही होती है ठीक है हंड्रेड परसेंट ट्रू का गलत पॉसिबिलिटी हंड्रेड परसेंट ड्रोन का गलत पॉसिबिलिटी सिर्फ कांड से वाले की पॉसिबिलिटी सही होती है ये मैं पहले बहुत बार आपको बता चुकी हूँ इसकी ही, इसी की ही वजह से आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो अगर किसी को सिलॉग्स नहीं आता है और अच्छे से सीखना है तो अन अकेडमी पर बिल्कुल फ्री क्लास है स्पेशल क्लास कोई भी बच्चा देख सकता है सिलॉग्स के तीन सेशन है हंड्रेड सिलॉग्स की सीरीज है तो उसमें पहले से आप स्टार्ट कीजिएगा मैंने सब कुछ बेसिक से बहुत अच्छे से बताया है चलो अगला क्वेश्चन चलिए देखिए एट पीपल आठ लोग हैं अर्जुन अरुण अजय अभि आशु अक्षय अलोक ये सभी के सभी सबके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं भाई पूरे पूरे नाम नोट करना अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगी ठीक है सभी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ये सब लोग हम्म ठीक है ये गिवन है आपको अब एक बात बताओ ये जो आठ लोग हैं ना ये बैठते कहां पर है पहली बात तो एक सर्कल में बैठते हैं मैं बता रही हूं उसने क्या बोला अवे फ्रॉम द सेंटर अवे फ्रॉम द सेंटर सिं, सिंपल लाइन में बैठे होते तो नॉर्थ या साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा देता अवे फ्रॉम द सेंटर तो मतलब कि वो किसी ना किसी क्लोज फिगर में बैठे हैं और सेंटर की तरफ नहीं देख रहे सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं ठीक है तो पहली बात ये सर्कल वाला क्वेश्चन है अब जरूरी नहीं तुमको सर्कल की जरूरत नहीं है बिना सर्कल बनाए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं देखो किस तरीके से कहते हैं अजीत इट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ऑमन पहली बात यहाँ पर सब लोगों की डायरेक्शन सेम है

आशु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर अजय और अमन आशु जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसकी ना तो अजय की ना ही अमन की तो अजय के साथ भी नहीं आएगी और अमन के साथ में भी नहीं आएगी आशु ये लीजिए काटा लगा दो अभी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आशु अभी जो है वो आशु का इमीडिएट नेबर है नोट कर लेते हैं अभी और आशु दोनों साथ में आएंगे थ्री पीपल सिट बिटवीन अमन एंड अरुण अमन और अरुण के बीच में तीन लोग अब एक बात बताओ टोटल आठ लोग हैं तो अमन और अरुण के बीच में अगर तुम तीन लोग बनाओगे इसका मतलब क्या है अमन और अरुण दोनों आमने सामने बैठे हैं तभी उनके बीच में गैप तीन का आएगा देखो कैसे अब तुम्हारे पास टोटल आठ लोग हैं ऐसे बनाते हो आठ लोग होते हैं ठीक है अब उसने कहा अमन और अरुण के बीच में तीन लोग हैं तो अगर आप अमन को यहां बनाओगे तो एक दो तीन अरुण आपका यहां आएगा दोनों ही तरफ से अमन के राइट से भी लेफ्ट से भी ठीक है तो राइट से भी तीन लोग लेफ्ट से भी तीन लोग बस वही हम कर रहे हैं अमन और अरुण के बीच में उसने बोला है तीन लोग तो अमन के राइट से एक दो तीन अरुण आया यहां पर और लेफ्ट से भी इतने ही लोग आएंगे एक दो अब लेफ्ट से तो मेरे पास लगा कम है इसलिए मैं यहां नहीं बना रही यहां बना रही हूं सिंपल है कुछ नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम ये जो तीसरा पर्सन एक और जो बचा चाहे 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 तुम 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 यहां बनाते चाहे, तुम वहां बनाओ चाहे, तुम इन तीनों को ही आगे बना देते ये तीनों मतलब अमन के लेफ्ट पर यहां ना बनाकर अरुण के आगे ही तीन बना देते तो भी क्वेश्चन सही होता क्यों द रीजन इज क्योंकि ये जो दो लोग हैं ना ये फाइनली क्या होंगे इमीडिएट नेबर्स बनेंगे क्योंकि आप लीनियर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो उसमें तो एक एंड होता है एक सर्कल के केस में कोई एंड थोड़ी ना होता है आपका क्लोज्ड फिगर होती है कुछ एंड तो होता नहीं कि ये राइट right एंड है ये लेफ्ट एंड है ठीक है तो इसीलिए ये क्लोज्ड फिगर है इसमें आप इस तरीके से कर सकते हो अब आगे अक्षय इट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आशु आशु के थर्ड लेफ्ट पर अक्षय अब आशु ने कहां नहीं आना देखो आशु ने आपका ना तो यहां अजय का इमीडिएट नेबर ना अमन तो ना यहाँ आशु आएगी ना आशु यहां आएगी ना आशु यहां पर आएगी अब अगर आशु को हम यहां बनाते हैं तो उसके थर्ड लेफ्ट पर बोला ना अक्षय हाँ तो उसका थर्ड लेफ्ट राइट में जाएंगे इधर थर्ड लेफ्ट मतलब कि वन टू थ्री अगर मैं आशु को यहां बनाती हूँ तो थर्ड लेफ्ट पर भाई अजय आ रहा है यानी कि आशु यहां नहीं आ सकती अगर मैं आशु को यहां बनाती हूं आशु के थर्ड लेफ्ट पर एक दो तीन अक्षय यहां पर आ जाएगा ये लोग ठीक है क्यों अमन की और उसने बोला था अमन की इमीडिएट नेबर तो है नहीं आशु तो आशु ना तो यहाँ आ सकती ना यहाँ मैंने यहाँ चेक किया आशु के थर्ड लेफ्ट पर नहीं आ सकता था क्योंकि अजय है फिर एक ही जगह बची आशु को यहाँ बनाया आशु के थर्ड लेफ्ट पर अक्षय को मैंने यहाँ बना दिया ओनली वन पर्सन सट्स बिटवीन आलोक एंड आशु आशु और आलोक के बीच में एक पर्सन तो आशु ये रही एक छोड़कर यहाँ आ जाए एक छोड़कर आलोक आ जाएगा फिर यहाँ पर ठीक है आशु एक छोड़कर लेफ्ट से ठीक है चलो आगे अक्षय एंड अर्जुन आर इमीडिएट फीचर कहता है अक्षय और अर्जुन अर्जुन बोला है? हाँ तो यहां पर कौन आ जाएगा अर्जुन आ जाएगा ये लो अभी और आशु दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं आशु का एक इमीडिएट नेबर अरुण है तो दूसरा कौन होना चाहिए अभी ये लो यहां आ गया क्वेश्चन हो गया और अभी हमारा पूरे क्वेश्चन की एक लाइन और बची है ना भी पढ़ो तो भी सही होगा फिर भी कंफर्मेशन हो जाएगा कि तुमने जो बनाया सही है ओनली वन पर्सन सट्स बिटवीन अर्जुन एंड अजय अर्जुन और अजय के बीच में अर्जुन और अजय के बीच में एक पर्सन है ये अक्षय क्वेश्चन हो चुका है आपके सामने है ना फिगर बनानी पड़ी सीधा ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसी तरीके से आप लोग भी आदत डालिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की ठीक है सो so, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं इसके हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अरुण अरुण के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है चेक कर लेते हैं अरुण 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 ये रहा अरुण का इमीडिएट लेफ्ट पर है भाई अजय 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 बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट वन क्वेश्चन फिनिश्ड चलो तो इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया बहुत जल्दी ज्यादा समय का ये वीडियो होगा नहीं आप सभी बहुत फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे सो so, अभी सेशन को करते हैं यहां पर एंड और फिर मिलते हैं अगले सेशन में तब तक आप सबको क्या करना है तैयारी करते रहिए मेहनत करते रहिए जमकर मेहनत करो और इस साल बैंकर बन जाओ बाय बाय एवरीवन टेक केयर